जय माता दी। दर्शकों, आपका अपना वैद्य ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं शनि की 7.5 का प्रभाव क्या होता है जीवन में और कुंडली में और राशि के अनुसार कैसे शनि की 7.5 लगती है या किन के राशियों में वर्तमान में चल रही है। दर्शकों, शनि 7.5 का जो प्रभाव होता है जातक को तन से, मन से और धन से और डिप्रेशन के युक्त और स्वास्थ्य खराब रखता है, तोड़ देता है और जातक अपने कर्म में से और अपने नियम से भटक जाते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक बहुत ही एक नुकसान उनको होता है और बहुत ही एक अंदर से उनकी आत्माएं टूट जाती हैं, क्योंकि शनि एक न्यायाधीश है, जज हैं और गॉड हैं। वो अच्छा फल देते हैं हालांकि, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कुंडली में शनि या जिस राशि में थोड़ा सा शनि की अशुभ स्थिति है या शनि किसी 6-8-12 में प्रवेश करते हैं या बसते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या बहुत दिक्कत आती है दर्शकों को। अब बात करते हैं गोचर में जिस राशि में शनि विराजमान होते हैं उससे आगे की राशि और पीछे के राशि में शनि की 7.5 लगती है। जैसे कि वर्तमान में धनु राशि में शनि चल रहे हैं तो धनु से आपका वृश्चिक और मकर, धनु वृश्चिक मकर, इन तीन राशि में शनि की 7.5 वर्तमान में चल रही है। तो जो भी मतलब जातक हैं उनके लिए वर्तमान में ये देखना है कि धनु राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि, इनमें शनि का 7.5 चल रही है और उनको जो है उसी के अनुसार उनको 7.5 का प्रभाव से लोग ग्रसित हैं और आगे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दर्शकों, मेन समस्या ये है कि व्यक्ति चाहते हैं कि हमारा सारा काम जल्दी हो या हमको नौकरी मिल जाए, लेकिन जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि जो स्टार्टिंग के होते हैं थोड़ा सा दिक्कत देते हैं और लास्ट जब शनि अपना पहला छोड़ते हैं तो उस स्थिति में क्या है आपको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। और ढैया की बात करें तो ढैया इस समय वृषभ राशि में और कन्या राशि में चल रही है शनि की, और 7.5 जो आपको मैंने बताया उन राशि में है। शनि की 7.5 के लिए यदि किसी को हेल्थ की समस्या है, स्वास्थ्य खराब है, उसके लिए हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए। किसी के जीवन में 7.5 के अनुसार उसका जीवन सुंदर नहीं है, कलह है या कोई अपना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो रही, उसको सुंदर कांड का हनुमान जी का पाठ करना चाहिए या करवाना चाहिए, तब उसके लिए जीवन सुंदर उसका जीवन हो जाएगा। और यदि किसी को धन से संबंधित आवश्यकता है या धन नहीं आ रहा, व्यापार में हानि हो रही, नुकसान हो रहा, उसके लिए रुद्रमलयुक्त श्री सूत का पाठ करवाना चाहिए, उससे अच्छा लाभ होगा। और शनि महाराज का भी पूजन करना चाहिए। हर शनिवार को शनि मंदिर जाएं और शाम के समय जाएं जब सूर्यास्त हो जाए तो शनिदेव को सिर्फ काला तिल और सरसों का तेल और एक कहीं काले तिल उसके अंदर डाल लें, और हो सके तो एक आध जो मतलब काला तिल के अनुसार काला उड़द भी डाल सकते तेल में, और उनको ऊपर से चढ़ाएं शनिदेव को, और नीचे जो तेल गिरता है उनको आँखों में लगाएं, उनसे आपको अच्छा लाभ होगा। शनि के 7.5 के लिए व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो ये आती है कि अनुसार जो आती है राशि चल रही है और राशि के अनुसार जो हेल्थ में कमी और घुटनों की दिक्कत परेशानी और परिवार में अनमन और धन की कमी, डिप्रेशन और टेंशन, नौकरी में काम नहीं और व्यापार में सफलता नहीं, हानि होती है और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का जो जीवन है वो पागलपन बना रहता है। दर्शकों, हमारी संस्था से आप संपर्क करें। शनिदेव की जो विशेष आराधना है, शनिदेव के जो विशेष उपाय हैं राशि के अनुसार, कुंडली के अनुसार हम आपको बताएंगे और आप उसको पालन करेंगे तो निश्चित ही आपको शनि की 7.5 छुटकारा मिलेगा। शनि एक न्यायाधीश है, जज है, गॉड है, और शनि की जो पूजा होती है वो सायं काल के बाद होती है। शनि का आप जप कर सकते हैं या किसी वैदिक ब्राह्मणों से हमारी संस्था के द्वारा करा सकते हैं। शनि का जो वैदिक मंत्र होता है वो होता है ओम सन्नो देवी राविष्टाया आपो भवंतु पीतये संजो रविश्रवंतु नः। इस मंत्र का करीबन आप जो है जाप 1.25 लाख जाप करा सकते हैं या उतना नहीं, अधिक हो सकता है तो कम से कम जो है आप करीबन 51,000 जाप करा सकते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ होगा। और शनि की 7.5 के लिए आपको मेन उपाय भी करना है, कोई यदि आप करना चाहते हैं कि आपका शनिवार के दिन शाम को आप अपने शरीर में तेल लगाएं यानी मर्दन करें, उस तेल को अपने ही कपड़े से जो आपका पहना हुआ कपड़ा उससे पोंछें और उस कपड़े को रात में
जहाँ दक्षिण दिशा हो या पश्चिम दिशा हो, वहाँ उस कपड़े को कपूर के साथ जला दें। उससे क्या होगा कि जो आपके शनि की साढ़े साती का प्रकोप है वो कम होगा, नज़र दोष या जो टोट मतलब इस तरह के दोष लगे होते हैं वो ठीक होंगे और व्यापार में आपको अच्छा लाभ होगा। दर्शकों, इसको भी आपको करना है, हर शनिवार को 5 शनिवार आप कर सकते हैं। और घोड़े की जो नाल होती है लोहे का, उसको आप शनिवार के दिन लाएँ, प्रतिष्ठा करें, उसको धारण करें, उसको भी आपको शांति मिलेगी और अच्छा लाभ होगा। और जितना हो सके हनुमान जी की आप आराधना करें। हनुमान जी पूजा करने से शनि ग्रह प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, दोनों ग्रह जब प्रसन्न हो गए तब आपको पूर्ण रूप से शांति मिलेगी, हेल्थ में, व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं जो आपका एक जीवन अच्छी तरह से निर्वाह नहीं हो रहा वो निर्वाह होगा और अच्छी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन मार्क है या कोई प्रश्न है, कुंडली से विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारी संस्था से संपर्क करें और हम आपको बताएंगे, अच्छी तरह से जानकारी देंगे और आपको अच्छा लगेगा। और जो भी आपके प्रश्न हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे भेजें। धन्यवाद। जय माता दी।